बोला तब बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है ना, सबकी दुआ कबूल हो जाएगी तो सबके घर में बेटा होगा। हम बोले अरे अगर सबकी दुआ कबूल हो गई और सबके घर में बेटा ही पैदा होगा, जब बेटी रावण करेगी तो बेटवा को बासम बन के फरहरा बनाएगा नहीं जी, क्या करेगा उसको, शादी कहाँ करेगा अपने बेटे की, कहते बेटी की भी दुआ कर ऐसा नहीं लग रहा है जलसा में बैठा, लगता है सब बाराती आया हुआ है, चार ठो जल के उधर चाय लूट रहा है, हाँ पी नहीं रहा है लूट रहा है। माशाल्लाह नहीं अच्छा है, लोग कितने मर्तबा कह रहे हैं कि वो ऊंची जगह से इधर आइए, क्या बोलते एरिया हजरत, लगभग 1.5 साल हो गया है, पानी गिरबिन किया एरिया पर, खेबिन किया सावन, तो अभी भी याद है वही एरिया पर बैठल है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी बैठिए माशाल्लाह। फिर इमसाल बारिश होगी है ना, इमसाल होगी हजरत, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ बारिश इंशाल्लाह होगी और इसके लिए हमें और आपको दुआ करने की जरूरत है, वरना वैसे तो जो हालात हमारे और आपके हो चुके हैं ना, अल्लाह हमें बलाओं से बचाए, हम सबों को जुमला बलियात से हिफाजत फरमाए, ना तो हालात ये हो चुके हैं, शादी ब्याह में देखिए, खतना का प्रोग्राम हो उसमें देखिए, तीजा और चालीसवां में देखिए, खाने की दावत मिलती है खाने के लिए हम और आप सब पहुंचते हैं, बाराती लोगों को देखिए जब बारात में जाते हैं, गांव वाले को जरूरत नहीं पड़ती बेंच लगाने की, सब अपने बेंच लगाना शुरू कर देता है, सिर्फ जितनी देर तक नाश्ता किया, आधा खाया आधा फेंका और धका धक सब कुर्सी उठा उठा जा रहा है, लान रे बेंचा निकाल बेटा, घर भैया खाना पकाया चाहे नहीं पकाया बेंचा पर पहले बैठ गया, इंतजार कर रहा है कि जवाब है, और जैसे ही प्लेट लग जाती है, प्लेट लगी उस पे चावल मिला, बाज लोगों को देखिएगा चावल एक प्लेट में लिया, कम नहीं लिया पूरा भर के लिया और बीच में गढ़ा के लिया, अजीब बीच में गटा चारों तरफ से ये बांध बांध के रख दिया, अब उधर से इंतजार है हो जल्दी ला, और जैसे ही वो बाल्टी वाला वो गमले वाला जैसे आया तो ग्राम भर वो भर के चला गया। अब खाने का देखिए मेरे आका अली सलातो तस्लीम फरमाते हैं जो प्लेट में जो अपनी तरफ करीब हो उधर से खाना शुरू करो, मेरा बीचे शुरू करता बीच ही से शुरू करेगा और जितनी वो बूटी है पहले वो खा लेगा और उसमें मसाला बच गया फिर उसके बाद में हल्का हल्का भसका देगा उसको फिर उसको ढक देगा तो सिरवा खत्म हो गया, अजीब फिर उसी में रखेगा, खा लिया पेट भर गया बांधा बांध ले रह गया। अब वो चावल देखिए क्या होता, उसे वहीं छोड़ दिया बेंच पे, ये नहीं सोची वहीं बेंच पे छोड़ दिया, घर भैया ले जाके उसको फ्रिज में रखेगा, कहाँ ले जाके डाला, वो सबसे बड़ी मेड़ है ना वो एरिया सबसे गड्ढावा में लगा के फेंक दिया, गड्ढे में ले जा करके प्लेट भी फेंकी गई उसमें जो चावल था चावल भी फेंका गया उसमें जो बूटियां थी बूटियां भी फेंकी गई और जब फेंक दिए गए उसमें जानवरों में कौन आया कुत्ता आया जो थोड़ा पूरा खाया फिर भी बच गया। अब वो चावल की बेहुरमती देखिए वैसे पड़े का पड़े नहीं रह गया, सुबह सुबह वो जितना मेहमान आया है इधर जावेंगे इस्तिंजा करने जगह कहाँ मिलेगी,
तो गढ़वा ठीक है। वो गड्ढे के पास गया पेशाब करने, जवान गया तो वही पेशाब किया, बच्चा गया वही पेशाब किया, बूढ़ा गया वही पेशाब किया, मर्द गया वही पेशाब किया, हमारी औरतें गई वही जाकर के पेशाब की, और वो पेशाब जाकर के उसी चावल पे पड़ता गया। खुदा की कसम, उस वक्त खुदा की रहमत हम पे नाजिल नहीं, खुदा का कहीं कसम ना नाजिल हो जावे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फरिश्तों से कहता है, हे फरिश्तों गवारा, देख जिस बंदे को मैंने रिस्क दिया, जिस बंदे को मैंने खाना दिया, जिस बंदे को मैंने किसा दी, आज देख मेरे दाने की बेहुरमती किया है। फरिश्ते गवार रहना, और फिर उसके बाद सिर्फ फरिश्तों को रब गवाह नहीं बनाता, बल्कि बगदाद वाले आका राजा हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम को गवाह बनाता है, वो रब्बे काबा मखदूमे जहां को गवाह बनाता है, वो रब्बे काबा खाजा गरीब नवाज से जुमला अपने महबूबीन से फरमाता है, अगर वो मेरे बंदे तेरे वसीले से मेरी बारगाह में इल्तजा करे, तो मेरे महबूब देख, आज मेरे उस बंदे ने जो तेरी इश्क का दावा करता है, तुझसे मोहब्बत के वो दावे करते हैं, आज देख मेरे दाने की भी हुर्मती की है, अगर वो दुआ भी करे तो तू वसीला ना बनना। खुदा की कसम, आज नौजवान भी खाजा की बारगाह में गया, हजरत गौसे आजम की तरफ लो लगा के दुआ किया है, और फिर उसके बाद दुआ ना कबूल हुई, कहते हैं ये कैसे बुजुर्ग है कि उनके वसीले से हमने दुआ की है लेकिन दुआ कबूल ना हुई। उस वक्त अल्लाह के महबूबीन कहते हैं, अरे वसीला तेरे लिए जरूर था, मैं वसीला बनता, रब के तरफ से मेरे लिए ममानियत का नुज़ूल हो चुका है। आज भी अगर तुम खुदा की बारगाह में महबूब होना चाहते हो, रहमते खुदा नेमते खुदा की इज्जत कर, तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरी आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा जहांगीर साहब क़िबला। और उसमें भी नजर रहती है ना, पता नहीं कितना इन लोग हम लोग खाएंगे खाली गोश्त, बूटी दो बात नहीं चलेगा, ठीक है खाओ, लेकिन इतनी नजर उस पे हमारी और आपकी पड़ जाती है, दिल दिमाग इस तरीके से उस जानी मह हो जाता है। खाते लिया जब आधा पेट खाया तब ख्याल आता है, तब बिस्मिल्लाह भुला गया, बिस्मिल्लाह भी भूल जाता। जामी साहब आप नहीं, वो कह रहे उधर, माशाल्लाह ये हमारे बुजुर्गाने दिए तशरीफ रखे हुए, ऐसा होता कि नहीं, बोलो होता है ना, अरे ऐसा होता है ना, बोलो ऐसा होता है ना, तब सबको याद है, सबको याद है किया ऐसा, आधा खाने के बाद बिस्मिल्लाह याद आया, हाँ ऐसा होता, हाँ बढ़िया सुन रहे हैं। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आधा खाने के बाद ही बिस्मिल्लाह पढ़ना है, आज उसके बाद में खाएगा हलक तक, बिस्मिल्लाह पढ़ भी नहीं किया, अल्लाह के नाम से शुरू भी नहीं किया, खाया जाके सो गया। चचा जलसा में नहीं गए? अरे बेटा बेटा बड़ी गुरगुराओ गुरगुराए ना भी गरगराएगा, ये गुरगुराइए रहा है, वजह क्या है, कमी कहाँ है? वजह यह है कि मेरे पास इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है, और उसके तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है। जितना हम आप अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं, उससे कहीं ज्यादा फेसबुक पे ध्यान देते हैं, देते हैं कि नहीं, बोले देते हैं ना, और फेसबुक में भी अगर
मन नहीं भरा तो डायरेक्ट हमला इमाम पर होता है। हाँ, उतना ध्यान इमाम पर है। इमाम अभी देखें एक जगह पे इमाम साहब ने इस मौके से एक गाड़ी ले ली, थोड़ी महंगी गाड़ी थी। अब ये नहीं कह रहा कि मौलाना की कमाई अच्छी हुई, जुमला क्या था मालूम है, ये मौलाना चर्बी आ गया। अजीब अजीब बोली, अभी तो चर्बी हो तब गाड़ी लेने का, उस तरीके से हम 10 किलो चर्बी ले आते उठा के, गाड़ी दे दोगे? इज्जत कर उलमा की, एहतराम कर अपने इमाम की। और ये बोलियां क्यों होती है? क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है। और हमारे बिरादरी में एजुकेशन का कोई ख्याल भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम खुद पढ़ें, उसके तरफ हम ध्यान दें। इन चीजों पर जरूरत है हमें और आपको खास ख्याल रखने की कि खुद बाल बच्चों को पढ़ावें, तब जाकर के ये बुराइयां खत्म होगी शादी ब्याह में। और वैसे भी शादी ब्याह की बात कितना अच्छा जलसा कराया माशाल्लाह हमारे, ये देखिए शायरे इस्लाम अकरम नवाज साहब, गौर से देख रहे हैं और हमेशा देखे हैं, मेरा साढ़ू है ना, और अपने हमारा छोटा भाई है मेरा साढ़ू, तो ख्याल तो करना है, देखना ही है माशाल्लाह। कभी कभी आपको इधर देखिएगा, माशाल्लाह अल्लाह सलामती, कितना अच्छा जलसा। अच्छा ऐसा बताइए, कभी इस इलाके में ऐसा हुआ था कि बारात के बाद जलसा करे? हुआ था, जोर से बोलिए, हुआ था जलसा बारात के बाद? बाराते में इतना थक जाता है, जलसा में कौन बैठेगा, मार कूदा कूदी बम का बमकी, मत पूछिए। अजीब हालत होती है बारात में, जब नौजवान जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बारात में जा रहा है, लगता है कि एकदम कोई किला फतह करने के लिए जा रहा है, एकदम बिंग बांग मत पूछिए। और उसमें से कुछ आदमी ऐसे है जो घोटिया लेके गया होगा, ऐसा होता है कि नहीं? देखिए अच्छा इस मजमे में देखिए अक्सर भी देखिए, और उसको शर्म भी नहीं है, लाज भी नहीं है। अभी जैसे जलसे में आया ना, जलसे में अगर कोई भी कह दे कि किसको किसको मदीना जाना है, थोड़ा हाथ उठाओ, तो कोई बाकी नहीं रहेगा, सब उठा देगा, चाहे 8 दिन में 7 बोतल पीता है वो हाथ उठा देगा। अब उसको कहते हैं अरे दर पीवा हड़बड़ाएगी नहीं, गिर जाएगा, तुम कहे हाथ उठा रहा है, काहे को हाथ उठा रहा, वैसे जाएगा मदीना? पहले पहले दिल को साफ करो, दिल को साफ कर, ईमान को पक्का कर, पक्का मोमिन बन, फिर ख्याल करके हमें भी मदीना बुला ले। आका सबको नहीं बुलाते, जो आका से मोहब्बत करते हैं आका उसे पसंद कर लेते हैं, और जिसे मुस्तफा ने पसंद कर लिया है, अरे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का, दुनिया का जिस गोशे का हो, मुस्तफा जिसे चाह ले अपने दर पर बुला लिया कर। पहले ईमान को तो पुख्ता करे, आज हमारे पास ईमान कहाँ है? चोरी हमारे अंदर, रिश्वतखोरी हमारे अंदर, चुगलखोरी हमारे अंदर, बेईमानी हमारे अंदर, एक एक बालिश एक एक बित्ता के जमीन के लिए मारा मारी काटा काटी सब भाई में हो गया। कितनी जमीन? एक बालिश जमीन के लिए क्यों बेईमानी करती? आप अगर अकलमंद हो, तुम्हारे से कम अकल में है तेरा भाई, उसकी जमीन की बेईमानी न कर। अगर तेरे पास ताकत है तो कमजोर पर जुल्म ना कर। अगर तू पढ़ा लिखा है तो किसी अनपढ़ के सर पर अपना पांव रख करके उसे मजबूर न कर। जरूरत है अपने अंदर अखलाक पैदा करें, सुन्नत मुस्तफा को अपनाएं,
सीरत मुस्तफा को अपनावे। आज हम लोगों में सीरत का, सुन्नत का, तरीका का सब हमने पीठ पीछे डाल दिया और उसके बाद भी कहते दुआ कर दिया, अल्लाह हमारी दुआ तू कबूल काहे नहीं करता। बोला तू कबूल कर ले। बोला हम कौन गुनाह किए हैं जो ऐसी मुसीबत आ रही। क्या कहता है कौन गुनाह किए। अरे पगला ये काहे कहता है कौन गुनाह किए। ये कौन जो कौन गुनाह नहीं किए। सब गुनाह तो करबे किया है। खेत बार से मरचा तू नहीं चोरा यारी। कटहर के गाछ देखा तो दू गो कटहर चोरा के तू नहीं भाग यारी। कौन कौन गुनाह नहीं किया तू। सावन में पानी चोरेबे किया। पानी चोरा रहा जी भाई। खेत का पानी चोरा रहा। मारा इधर के उधर उधर देख लिया एरिया में एक लाठी में। अजीब है। और उसके बाद में खुश होता है कि ठीक है सुर 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 जा रहा है। अभी तुम सुर सुर देख रहे हो कब्र में हवा में हर 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 पड़ेगा तब समझ में आएगा। गुनाहों से बच अपने गुनाहों से तौबा कर। दो तीन बातें मैं बयान करना चाह रहा था। सुनेंगे आप लोग। सुनने के लिए तैयार हैं। सो रहे हैं कि जाग रहे हैं आप लोग। जाग रहे हैं हाथ उठा के बताए कितने लोग सो रहे हैं। अच्छा जितने लोग जाग रहे हैं एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सलामती अता फरमाए। अभी देखिए हमारे जनाब मोहम्मद अकरम साहब के भाई की शादी है। शादी हो गई। महफिले निकाह मुनक्किद हो गए। अजनबी और अजनबिया न जान न पहचान सुन्नत मुस्तफा अदा करने की बुनियाद पर पति और पत्नी के रिश्ते में मुंतकिल हो गए। या अल्लाह ये रिश्ता उन दोनों के माँ बहन ता जिंदगी सलामती अता फरमा। अरे जोर से बोलिए ना आमीन। हाँ वैसे बेटा की शादी बेटी की भी शादी। एक जगह पर ऐसे पूछे थे कि इस साल बेटा की ज्यादा शादी हुई नहीं बेटी की। तो एक लड़का बोला कि मारा इंसान मत पूछ जिधर देखिए खाली बरते जा रहा है। हम बोले तो वही पूछ रहे कि इस साल लड़का ज्यादा शादी हुई ना लड़की के। बोला नहीं इस साल लड़का जाते लड़का की शादी ज्यादा। हम बोले लड़की का। बोला हल्का फुल्का। हाँ लड़का की शादी ज्यादा लड़की के कम। हम बोले अरे तो बारात जो लड़कवा लेके गया तो यमा का चम बांध दिया लेके गया किससे शादी कर दिया। बोला ना वो तो ठीक है कोई। अबे तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तू भी तो गड़बड़ जवाब दे रहे हो। आज लोग दुआ भी करते अजीब दुआ करते अपनी बड़ाई के लिए दुआ। अगर ये बड़ा आदमी है ना इनके पास पैसे ज्यादा है ना इनकी बिल्डिंग बहुत ऊंची है ना तो हमारी दुआ होनी क्या चाहिए। या अल्लाह जैसे तूने उसे दिया है दौलत दी शरबत दी इज्जत दी माल दिया है मौला उसी तरह हमें भी बना दे। लेकिन हम लोगों की दुआ ये नहीं होती उस तरह बना दे। डायरेक्ट हड़पने की दुआ होती है कि मौला उतरा खत्म कर दे उधर वाला सब इधर आ जाए। ये दुआ होती है। एक आलिम भी है ना एक आलिम भी है ना तो ये भी सोचते जैसे अभी गुलाम रसूल रहा पर अच्छे नकीब हैं बड़े नकीब हैं। अब दूसरा ये सोचेगा ये कोक ने हो जावे हम बेस बोलने लगे। अजीब दुआ अजीब होती है। हाँ अजीब है कि अपने अपनी भलाई चाहते हैं कि सिर्फ अपना फायदा चाहते वो भी दुनिया का। अरे कम से कम आखिरत के फायदा तो देखो लोग दुआ करते। अभी देखिए जनाबे अकरम भाई के भाई की शादी हो गई बीवी आ गई जिसकी भी शादी हुई बीवी उसके घर आई। अब अगर कहीं वो औरत हमल से है तो सबकी दुआ क्या दुआ होती है ये दादी भी दुआ करेगी या अल्लाह पहला पहले पोतवे दे अल्लाह। अजीब है पोती की दुआ नहीं दादा भी दुआ करते हैं मौला पोता दे और नाना भी दुआ करता है या अल्लाह पहला पहले नती दे नानी भी दुआ करती है। और वो नौजवान जिसका बच्चा होने वाला है वो भी कहता है या अल्लाह पहला पहले बेटा ही दे। अरे बेटी हम कौन नुकसान है रे
कोई दिक्कत है, लेकिन बैठक दुआ वैसे भी देखिए आम जगहों में 100 आदमी को इकट्ठा करो, अगर वो दुआ के लिए खड़े हो जावे, खाजा की बारगाह में जाए, मखदूम की बारगाह में जाए, कि चौचा वाले आका की बारगाह में जाए, कहीं भी जाए तो दुआ क्या मांगते हैं, या अल्लाह बेटा दे, या अल्लाह बेटा दे। 100 में 95 आदमी बेटा मांगता है, 5 आदमी ऐसे होंगे जो बेटी की दुआ करेंगे, वो भी 5 कौन होगा मालूम है, जिसको 2-3 बेटा पहले हो गया होगा, पहला फिर बेटी नहीं, 95 आदमी बेटा की दुआ करेगा। हमने कहा ऐसा क्यों करते हो, बोला नवा साहब बेटा चाहिए, मैंने कहा अगर अल्लाह कहीं मेहरबान हो जावे और अगर सबकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता, अल्लाह सबकी दुआ कबूल कर लेता, बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है ना, सबकी दुआ कबूल हो जाएगी तो सबके घर में बेटा होगा। हम बोले अरे अगर सबकी दुआ कबूल हो गई और सबके घर में बेटा ही पैदा होगा, जब बेटी रावण करेगी तो बेटवा को बासम बन के फरहरा बनाएगा नहीं, क्या करेगा उसको, शादी कहाँ करेगा अपने बेटे की, कैसे बेटी की भी दुआ कर, ये कम इल्मी की बुनियाद पर है, हमारे पास इल्म नहीं। आज लड़की देखने के लिए जाते, लड़की कैसी चाहिए, हमें चाहिए कि सूरत अच्छी हो, चेहरा अच्छा हो, वाइट हो, गोरी हो, लंबी हो, पढ़ी लिखी हो, चाहे सूरत खूब अच्छी हो, लेकिन चाहे सीरत, सीरत से कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि आज घर में गड़बड़ है। अल्लाह जल्ला शानु कुरान में फरमाता अर रिजालो कव्वामूना अला निसा, मर्द हाकिम है औरतों का, मर्द हाकिम है, हाकिम मतलब जज, जज जो फैसला दे उसे मानना है। अच्छा बताइए अपने घर में ढूंढ के देखिए कि आज मर्द अपने घर में जज है, वो मर्द अपने घर में हाकिम है कि ये जो कहेगा वो मानेगी ना, उल्टा है, वो कहेगी तुमको मानना है, क्यों, वजह क्या है, हमने शादी के वक्त ये नहीं देखा कि उसकी सीरत कैसी है। याद कर उस तारीख को, हम ही सिर्फ शादी नहीं करते, इससे पहले भी शादियां हुई, याद कर उस तारीख को, एक खुदा का महबूब बंदा है जिसका नाम है नजमुद्दीन, अब इसे एक बात सुन ले फिर मेरी तकरीर खत्म, जिनका नाम है नजमुद्दीन, उसका एक भाई था छोटा भाई जिसका नाम था असदुद्दीन, गवर्नर नजमुद्दीन ने नजमुद्दीन बैठा था, उनका छोटा भाई असदुद्दीन गया और अपने भाई के के, के करीब जाके प्यार से कहा, मेरे भैया एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बड़े भाई ने कहा कहो क्या कहना है, तब उस वक्त असदुद्दीन ने कहा, असदुद्दीन की भी उम्र इतनी हो गई शादी के करीब 25 से 30 साल, और जब छोटे भाई की ये उम्र है तो बड़े भाई की और ज्यादा उम्र थी, और अभी शादी नहीं हुई बड़े भाई की, तब छोटा भाई ने बड़े भाई से कहा था, भैया एक बात को, बोला कहो क्या कहना, बोला भैया आप शादी करते क्यों नहीं, शादी कर लीजिए, बोला मेरी शादी से तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है, बोला आप ही वजह से हम रुके हुए, आपकी हो जाती फिर मेरी बारी आ जाती, इसलिए कह रहे हैं, बोला मेरे लायक कोई लड़की मिल नहीं रही है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही है। तो उस वक्त असदुद्दीन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, उन्होंने सोचा अब काम बन गया, बोला भैया बेफिक्र रहो मेरे भाई, अब मैं लड़की का इंतजाम कर चुका हूँ। बोला कौन सी लड़की, बोला मलिक शाह सलजूकी की बेटी है, बादशाह की बेटी, जो बहुत हसीन है, खूबसूरत है, माल और दौलत वाली वो है, उसके साथ तेरे निकाह करूं, वो तुम्हें पसंद है, या किसी वजीर की बेटी को हो, मालदार जिसकी बेटी को होगे, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। उस वक्त भाई ने कहा था, बड़े भाई ने, असदुद्दीन मुझे बादशाह की बेटी पसंद नहीं। बोला वजीर की बेटी, बोला वो भी पसंद नहीं। बोला कैसी लड़की चाहते हैं आप, इतनी खूबसूरत, इतने मालदार, लेकिन उसके बावजूद वो पसंद नहीं। तो उस वक्त नजमुद्दीन ने कहा था, भाई इसे गौर से सुनो,
क्या जवाब दिया नजमुद्दीन ने, मुझे वो लड़की पसंद नहीं। पूछा छोटे भाई ने कैसी लड़की चाहिए, तो उस वक्त नजमुद्दीन ने जवाब दिया था, ये मेरे भाई असदुद्दीन सुन, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, इस ऐसी लड़की मुझे पसंद है जिससे मेरी शादी हो, वो लड़की ऐसी हो कि अगर हमारे आमाल खराब भी होने, हम जन्नत के जाने के काबिल भी ना होने, और महशर का मैदान हो, हश्र बरपा हो, और वैसे आलम में जन्नती जन्नत के तरफ जा रहा हो, और वैसे आलम में सब जन्नती जन्नत के तरफ जा रहे होंगे, मेरे आमाल इतने अच्छे नहीं कि मैं जन्नत में जाऊं। लेकिन उस वक्त वो बीवी जिसे मैंने दुनिया में जिससे शादी की है, वो ऐसी लड़की हो कि जो मेरा हाथ ये मेरी उंगली पकड़ के मुझे जन्नत में ले जावे, उसके आमाल इतने अच्छे हो, उसके किरदार इतने अच्छे हो, उसके कैरेक्टर इतने अच्छे हो, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। तब छोटा भाई का चेहरा मुरझा गया कि हम समझ गए, आप भी ऐसे रहिएगा और हमको भी ऐसे ही रखिएगा। कहाँ वैसी लड़की मिलेगी जो जन्नत में तुमको पकड़ के ले जाएगा? बोला तो बस मैं शादी नहीं करूंगा। चले गए उठ करके, एक शेख रहते थे मस्जिद में बरामदे, वहां पहुंचे, बराबर जाते थे उनके मुलाकात के लिए और उनसे कुछ वाजो नसीहत सुनने के लिए। जब वहां वो पहुंचे हैं, नजमुद्दीन शेख से मिला, अभी बात कुछ करना ही चाहता था, इतने में पर्दे के पीछे, दीवार नहीं पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे एक निस्वानी आवाज आई, एक लड़की की आवाज आई, कहा शेख मेरे बुजुर्ग मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जो ही शेख ने निस्वानी आवाज को सुना, पहचान गए कि फला बेटी है, कहा बेटे थोड़ी देर बैठो, एक हमारी वो बच्ची आई है, उनसे सुनता हूँ, देखता हूँ क्या किस लिए आई है, क्या दिक्कत है, उनके करीब जाके मैं सुन करके आता हूँ, उनकी परेशानी को हल करके मैं आता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ। उस नौजवान नजमुद्दीन ने कहा था बाबा चले जाइए। जब वो शेख उस पार गए पर्दे के पीछे, तो सबसे पहला सबन सलाम हुआ, इधर से जवाब भी मिला। अब उसके बाद में शेख ने क्या कहा था, ये मेरी बेटी बता, जो लड़का मैंने तेरे लिए पसंद किया था, क्या वो लड़का तूने तूने पसंद कर लिया, उससे शादी करोगी ना? तो वो लड़की का जवाब सुनो, उस लड़की ने कहा शेख मुझे वो लड़की पसंद, वो लड़का मुझे पसंद नहीं है। वो लड़की बोली मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। तो शेख को थोड़ा जलाल आया, कहा बेटी इतना खूबसूरत लड़का है, पढ़ा लिखा है, मालदार है, फिर भी वो लड़का तुझे पसंद नहीं, बता तुझे कैसा लड़का चाहिए? तो उस वक्त पर्दे के पीछे से वो लड़की शेख से कह रही है, ए मेरे शेख, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा होने वाला पति, मेरा होने वाला शौहर इतना ईमानदार हो, इखलाक का मालदार शख्स हो, इतना बड़ा नेकोकार हो कि अगर मैं जन्नत जाने के काबिल भी ना रहूं, तो मेरा वो दुनिया वाला शहर कल महशर के मैदान में मेरी उंगली पकड़ के जन्नत में ले जावे, ऐसा लड़का मुझे चाहिए, और साथ ही साथ उस लड़के से मेरी शादी हो, इतना नेकोकार हो, किसके नुतपे से मेरे शिकम में बच्चा परवरिश पावे और वो बच्चा दुनिया में पैदा हो, तो ऐसा लड़का हो, इतना बहादुर हो, जो बैतुल मुकद्दस गैरों के हाथ में है, उसे फतह करके मुसलमानों के हवाले कर दे, ऐसा लड़का चाहिए। इतना सुना, बोला ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, अभी पर्दे से इस पार आया था, वैसे ही वो नजमुद्दीन कदम मुबारक को चूमा, कहा शेख मुझे मेरी शादी उस लड़की से कर दीजिए। बोला तुझे पता है वो लड़की इस इलाके के सबसे ज्यादा गरीब, एक वक्त की रोटी कहीं से मिल जाती है ना, दूसरे वक्त का कोई इंतजाम नहीं, दोपहर में क्या खाएगी इसका इंतजाम नहीं, कल उसके रिस्क का क्या इंतजाम होगा उसे पता नहीं है, बहुत गरीब है। तो उस उस नौजवान ने कहा था शेख मैं उनकी गुर्बत को नहीं देख रहा हूँ, मैं उनकी नियत को देख रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी चाहत है वही चाहत उसकी भी है। उस वक्त शेख खुश हुआ और उसी वक्त दोनों का निकाह कर दिया, और दोनों के मेल मिलाप से जो लड़का पैदा हुआ, दुनिया
उसे आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह किया, मुसलमानों के हवाले किया। ऐ नौजवानों, आज ये दौलत के मांगने वाले बेटियों के बाप से दौलत मांगते हैं। हम दौलत की बुनियाद पर शादी करते, हम मालदार देख करके शादी करते। तुम दौलत मत देखो, दौलत की जरूरत नहीं है। दौरे हाजिर में अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अब दौलत मत देख। तुम नियत को अच्छी कर ले, लड़की लानी हो उसकी सूरत से पहले उसकी सीरत को देख ले। अगर सीरत अच्छी होगी तेरा घर घर नहीं रहेगा, जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। और जब यह हाल रहेगा ना, तो रोंगटे रोंगटे से आवाज आएगी। एक से डेढ़ मिनट सुनिए, रोंगटे रोंगटे से आवाज आएगी कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। कि तसव्वुर में शहीरे या रसूल अल्लाह, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। कि मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारे, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। अल्लाह जल्ला शानहु हम मुसलमानों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। ये मौज़म उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखे हुए हैं, वक्त की नज़ाकत है, इन बुजुर्गों की ताज़ीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की अथाह गहराई में पेवस्त है। मैं इन बुजुर्गों का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझसे छोटे नहीं, हमसे सब ऊँचे हैं बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी ताज़ीम हमेशा हमने की है, जितने हमारे उलमा हैं आइम्मा हैं बुजुर्ग हज़रात हैं। वक्त की किल्लत है, एक बदिगरे हमारे मुकद्दस उलमाए इकराम एक बदिगरे आपके माबैन तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात रब्बी बिन कुल्ले ज़म्बी व तुबु इलैह, कलमे हक का विर्द करके अपने जुबानों को जुबान को वजू दीजिए, कुलूब व अज़हान को तहारत बख्शी और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।